नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा सभी का सुजला वायरल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम नागौर जिले के लेड़ी गांव में आए हैं, जहाँ राजकीय चिकित्सालय है। वहाँ की चिकित्सालय में स्वच्छता को देखकर हमें इतना अच्छा लगा। वहाँ के स्टाफ ने इतनी स्वच्छता अस्पताल में कर रखी है और इस अस्पताल को राजस्थान में कायाकल्प कार्यक्रम के तहत 7वां स्थान मिला है। तो हम आज आपका यहाँ के स्टाफ से परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये संदीप जी मारोटिया है जो कि यहाँ पे कार्यरत है। तो आज आप सारे स्टाफ का हमें परिचय दीजिए और जो कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपको पुरस्कार मिला है इस अस्पताल को, तो वो किस हिसाब से मिलता है, थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। ये हमारे साथ सीनियर मोस्ट स्टाफ हैं एलएचबी रोसम्मा के, ये साथ में प्रेम जी पीएचएस हैं, आगे एनएम है अरुणा जी, और हमारे आगे अकाउंटेंट है, उनके आगे जो बैठे हैं अकाउंटेंट है हनुमान राम जी, और ये हमारे लैब क्लीनर हैं। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तहत अस्पतालों में संक्रमण मुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के तहत एक मिशन कायाकल्प प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंतर्गत अस्पतालों में स्वच्छता को मेन रूप से ध्यान रखा है। जैसे जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका प्रॉपर रूप से निस्तारण करना, जो मरीज आए हैं उनको किस तरह से उनको साफ सफाई करना है, जो चिकित्सीय उपकरण हैं उनको संक्रमण मुक्त वातावरण किस तरह से उनका उपयोग करना है, इसके अलावा जो बाहर का जो एरिया है जहाँ पे पेशेंट के लिए वेटिंग रूम है या और अन्य, तो वहाँ पर हमने पौधे लगाए हैं, उसको गार्डन लगाए विकसित किए। इसके अलावा वहाँ पर औषधीय पौधे भी हमने लगाए हैं, जैसे ग्वारपाटा है, नीम गिलोय है। इसके सहयोग से हमने कुछ गवर्नमेंट के जो 120 पॉइंट्स थे उन पे काफ़ी कार्य किया सभी के सहयोग से, और इसी का नतीजा रहा कि प्राथमिक गाड़ोदिया राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गाड़ोदिया परिवार के सहयोग से 1979 में इसका उद्घाटन हुआ था, वो अभी भी जो आज 40 साल पुरानी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को इतना अच्छा मेंटेन करके इसको साथ सजा करके हमने इसको नए रूप में डालने की कोशिश की। उसी का परिणाम रहा कि आज हम राज्य स्तर पे 7वां स्थान पे और पूरे नागौर जिले में कायाकल्प प्रोग्राम के तहत प्रथम स्थान रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेड़ी का, जिसके तहत जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सभी जुनरी को सम्मानित उपलब्ध करवाई जाती है। जैसा कि बहुत गर्व की बात है, यहाँ की चिकित्सालय को राजस्थान में कायाकल्प कार्यक्रम के तहत 7वां स्थान मिला है, तो उसका प्रेरणा स्रोत आपका कौन रहा? हमारे जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हैं डॉक्टर भरत कुमार जी पारिक, उन्हीं की प्रेरणा और निर्देशन में हमने अचीवमेंट किया है। हमारे जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो इस बारे में बहुत ही सक्रिय हैं, जो गवर्नमेंट के जितने नेशनल प्रोग्राम हैं उनमें उनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। वो खुद उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ में श्रमदान किया, जो यहाँ पे घास थी इनको साफ सफाई में खुद आगे आके खुद सहयोग करते हैं। इसी का नतीजा रहा कि हम सब ने यहाँ पे इसको जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने जो किया, इसके अलावा परिवार कल्याण के जो है जो RCS का प्रोग्राम है, टीकाकरण प्रोग्राम है, मातृत्व सुरक्षा परिषद, उसमें खुद रुचि लेते हैं और आगे आके नेतृत्व करते हैं। इसी के तहत है कि वो अभी भी जो PMO लाडू है वहाँ भी उन्हीं को उसके बारे में गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं कि ताकि प्रयास सके, इसलिए उनको पूरे लाडू ब्लॉक का उनको नोडल प्रोवाइड बनाया गया है मिशन कार्य के। हॉस्पिटल में ये हैचरीज बनाया हुआ है, हमारे साथ संदीप जी हैं जो इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे, क्योंकि ये क्या है हैचरीज? हैचरीज के अंदर गंबूशिया मछली होती है, ये गंबूशिया मछली मच्छरों के लार्वा को ख़त्म करती है। सिर्फ डेंगू है, मलेरिया है, बारिश के मौसम जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मलेरिया के, डेंगू के मच्छर का लार्वा पैदा होता है, तो ये मछली होती है उस लार्वा को ख़त्म करती है। जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे इस मछली के को हम छोड़ देते हैं थोड़े थोड़े समय, तो वहाँ से लार्वा ख़त्म करती है। जिससे इसके अलावा इसको काई वगैरह शैवाल ये खाती है, वो भी इसमें डाला जाता है। फिर इसको पानी को इसको यहाँ से निकाला जाता है और जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोड़ दिया जाता है पानी के साथ। शायद ये अपने आसपास के क्षेत्र में यही है केवल? लाडनू ब्लॉक में यही है, लेड़ी में। अच्छा। और यहाँ से जो अदर PSC है वहाँ इनको भेजा जाता है। अच्छा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अच्छा। इसके अंदर है क्या अभी? हाँ बिल्कुल है। दिखाइए।
दाना ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं लेडी अस्पताल के अंदर इतनी छोटा सा गांव होते भी इतनी सुविधा है, बेड पूर्ण रूप से उपलब्ध है यहाँ पे। और ये स्पेशल बेड किस लिए आप बताइए थोड़ा। इसमें मच्छरदानी रखी है तो जैसे कोई गर्भवती महिला हो, न्यूबॉर्न बच्चा हो, उसको मच्छर से बचाने के लिए मच्छरदानी है, तो मरीज को उसे घर जैसा माहौल लगे, सुविधा युक्त जैसा नहीं लगे अपने अस्पताल में हो, इस तरह की बेडशीट और बदली जाती है। अच्छा, रोज ये इमरजेंसी ट्रे है, 7 प्रकार की ट्रे होती है, जैसे एपिसोटोमी ट्रे है, डिलीवरी ट्रे है, सब इस लेबर के दौरान काम आती है, सारी 7 तरह की ट्रे है यहाँ पे। ये न्यू बोर्न बेबी के लिए, वेट के लिए, ये यहाँ पे स्टेज है। हाँ। इसे पता चलता है कि किस स्टेज में भी लेबर चल रहा है, उसको कितनी डिलीवरी होने में कितना टाइम लगेगा, संभव टाइम बताने के लिए, किस तरह से अपने एग्जामिनेशन करते हैं उसके लिए है। जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है यहाँ पे अपने आस पड़ोस के गाँव में और आपके अस्पताल में बहुत दबाव रहता है, तो उस समय आपने स्वच्छता के लिए अपने अस्पताल की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम चलाए थे? देखिए कि आधे रोग में जुड़ा हुआ होता है अस्वस्थ रहना, अस्वस्थता से होती है, तो हमने सबसे पहले जैसे हैंडवाशिंग जो टेक्निक है वहाँ पे हमने जगह जगह हॉस्पिटल में पोस्टर लगा रखे हैं कि सबसे ज्यादा था जो अपने को बार बार हैंड वॉश करने, हैंड वॉश किस तरह से करने है, इसी को हमने हर नागरिक को बताया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखें, प्रॉपर मास्क का प्रयोग किस तरह से करना, इसके लिए हमने लोगों को जागरूक किया। उसके लिए सरपंच साहब के सहयोग से हमने पूरे गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया, और जो कहते हैं क्रांति के लिए युवाओं का सहयोग बहुत जरूरी है, तो हमारे सामने जो नेहर युवा मंडल की जो टीम है उनके सहयोग से हमने उनसे विचार विमर्श किया, उनको 19 के बचाव के बारे में जो पोस्टर विमोचन वो किए, उनको किस तरह से हैंड वॉशिंग करनी है, प्रॉपर दूरी कैसे बनाए रखें और लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में नेहर युवा मंडल के कार्यकर्ताओं को बताया। उन्होंने गाँव गाँव और घर जाके इसका प्रचार प्रसार किया, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा कि यहाँ पे कोई संक्रमण की नहीं, इतना संक्रमण यहाँ पे नहीं फैल पाया, और स्वच्छता के प्रति सभी लोग जागरूक है, और खुद यहाँ से भी हमने पूरे अस्पताल परिसर को हम जो सैनिटाइज करते रहते हैं, यहाँ पे जो रामगोपाल जो पुरोहित परिवार है यहाँ पे स्वर्गीय पूर्णमल रामगोपाल पुरोहित परिवार है, उनके तरफ से हमें जो सैनिटाइजर मशीन भी उपलब्ध कराई गई थी, तो उससे हम हॉस्पिटल को प्रॉपर उसे हमेशा ओपीडी एरिया है जो जहाँ पे मरीज उनका आना जाना रहता है वहाँ पे हम उसको प्रॉपर सैनिटाइज करवाते हैं, और यहाँ पे सैंपलिंग की भी व्यवस्था की है, अभी अगर किसी जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है, पहले उनको बताया जाता है, ग्रामीणों को अच्छा शुरू है तो बाहर से आते हैं हमें बता देते हैं कि हम बाहर से आए हैं, तो किस तरह से उनको 14 दिन क्वारंटाइन रहना है। इसके अलावा यहाँ पे प्रत्येक शुक्रवार को लेडी गांव है, ये इसको मतलब छोटा सा ग्राम पंचायत क्षेत्र है, ये इसके अंदर जो ये अस्पताल है इसमें लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो रोगी आते हैं, तो आसपास के गांव भी यहां पे चिकित्सा के लिए आते हैं, तो उनको क्या क्या सुविधा मतलब उपलब्ध करवाई सुविधा प्रदान की जाती है यहाँ पे, और किस तरह के यहाँ पे लैब्स वगैरह बनाए हुए हैं जो गर्भवती के लिए जो लैब्स है वो? तो यहाँ पे आसपास जो हमारे अंडरगट 9 सब सेंटर आते हैं वहाँ से यहाँ पे मरीज आते हैं, जैसे दोलिया साड़ी से, रोड से, कृष्णपुरा से, और पास हुआ जो जकरिया है वहाँ से भी मरीज यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन नियुक्त है, यहाँ पे 15 प्रकार की जांचें होती हैं, इसके अलावा जो गर्भवती महिला है उनके प्रसव की सुविधा होती है, हर महीने 9 तारीख को जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है वहाँ पे सब तरह की जांचें यहाँ पे उपलब्ध होती है, तो यहाँ पे पूरे जो हमारे सब सेंटर है 9 सब सेंटर है उनकी महिलाएं गर्भवती महिलाएं यहाँ पे आती है, उनकी जांच होती है, चिकित्सा उनको सलाह दी जाती है, जो एनीमिया ग्रसित है उनको
आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसके अलावा उनको उचित देखभाल की जाती है और यहाँ पे प्रसव के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। प्रसव के लिए अलग से रूम बनाया, वहाँ पर भी अच्छी सुविधा है। वहाँ पे स्तनपान से संबंधित है और जो स्वच्छता से संबंधित वहाँ पे पोस्टर वगैरह सब लगे हुए हैं। माँ और बच्चे के लिए हमें स्वच्छ और सुसज्जित बेड उपलब्ध है। मच्छरदानी भी यहाँ पे उपलब्ध है। ये यहाँ पे